गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं मानव विकास के चरण बता रही हूँ। तो प्रज्ञाति मानव जीवाश्म जिस मानव विकास कहानी आधारित है वो प्राचीन युग की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। ये चट्टानें तथा उनसे प्राप्त जीवाश्म 10,000 वर्ष से लेकर 17,00,000 वर्ष पूर्व पुराने हैं। 10,00,000 से 17,00,000 मानव विकास के आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर इन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। मनुष्य के विकास का जो बताया जा रहा है, प्रथम अवस्था में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, मतलब प्रथम मानव क्या माने गए थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, इन्हें प्रथम मानव कभी भी कहा जाता है। ये प्लास्टीन युग से प्राप्त ऐतिहासिक मानव जीवाश्म का समूह है जिन्हें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्राचीन मानव अथवा आदि मानव अथवा कपि मानव। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के कुछ वर्ष पूर्व किसी गुफा में एक शिशु प्राणी की खोपड़ी मिली और उसे कपि तथा मानव दोनों के बीच के लक्षण बताए गए। इसी के साथ साथ मस्तिष्क गोरिल्ला के कुछ बड़ा तथा दांत बिल्कुल मानव जैसे थे। इनकी कपाल गुहा बड़ी तथा सीधे चलने वाले थे। ये मानव से अनुमान लगाया जाता है कि ये 2,00,000 वर्ष पूर्व प्राणी जो थे कपि कहलाते। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकन्स कहा जाता है। 1924 में रॉबर्ट डार्ट नामक वैज्ञानिक ने दक्षिण अफ्रीका में इसके बारे में पता किया। दूसरे चरण में होमो इरेक्ट आते हैं। ये मानव प्रथम चरण मानव से अधिक बुद्धिमान होते थे। इनकी कपाल गुहा का आयतन 800 से 1200 ml था। इनकी भौंहें व हड्डी जुड़ी हुई थी। दाढ़ी छोटी तथा मांसाहारी प्रकृति के थे। इनमें श्रेणी मेखला रचना से स्पष्ट थी कि ये सीधे चलने लगते थे। जाबा मानव, पैकिंग मानव और अटलांटिक मानव आदि आते हैं। देखिए जाबा मानव अब लगभग 5,500 वर्ष पूर्व वास्तविक मानव का विकास हुआ। मध्य जावा को बेगवान नदी के जीवाश्म 1891 में मिले, इसलिए इनको पिथकैंथ्रोपस भी कहा जाता है, एप मानव भी कहा गया। इस मानव में मस्ती 900 से 1000 ml का था। जबड़े मजबूत तथा बड़े दांत मानव के समान थे। इंसाइजर अधिक लंबे थे। 1936-38 तथा 39 मानव बड़े मस्तिष्क कठोर भुजाएं अस्थि मिलती थी। ये मानव कद में लगभग 5 फीट तक के थे। मस्तिष्क कोटर आयतन का कपाल गुहा की क्षमता 900 ml की। आर्थर कैथ के अनुसार ये मानव क्या थे, सीधा चलना जानते थे। इसके बाद है पैकिंग मानव। पिथेकैंथ्रोपस युग में पैकिंग मानव आए जो प्लास्टीनो युग से 500 से लेकर 20,00,000 वर्ष पूर्व कला में थे। इन्हें साइनोथ्रोपस या पैकिंग मानव कहा जाता है। इनको होमो इरेक्ट जाति में रखा गया है। इनके कंकाल स्पष्ट थे, सीधे चलते थे। इनके मस्तिष्क आधुनिक मानव से छोटे थे, थोड़ी करीब करीब नहीं थी तथा जंगलों में प्रयोग करते थे। यूरोप की उपस्थिति में कोई विशेष प्रमाण इनका नहीं है। के बाद है तीसरा चरण होमो सेपियन। इस चरण में क्या था कि प्लास्टीनो युग से बहुत देर बाद आया था। इसमें पहला मानव सोलो मानव, रोडेशियन मानव, डिएंथल मानव आदि आए। देखिए हीडलबर्ग मानव, इसका केवल निचला जबड़ा जर्मनी से प्राप्त हुआ था। डिएंथल मानव जो था डेसफोडो नाम होमो डिएंथेलस जीवाश्म मिले। इनका आकार छोटा था, ठिंगने थे, टांगें मुड़ी हुई थी तथा कंधे छोट भारी थे। मस्तिष्क कुछ बड़ा था, अग्रपाद लंबे परंतु उंगलियां छोटी थी। पत्थर आदि के बने हथियार और जानवरों के शिकार के लिए इसका उपयोग करते थे। ठीक है, अटलांटिक मानव जो था जावा और पेकिंग मानव के निकट संबंधी थे। 1855 में अल्जीरिया से प्राप्त मिले। इनके अतिरिक्त जीवाश्म कैंसर वाला मोरेस्को में भी पाए गए। चौथा चरण क्रोमेगन मानव। क्रोमेगन मानव जो था इस जाति के मानव में जीवाश्म 1854 में फ्रांस और वेल्स आदि में मिलते थे। इनकी लंबाई 1.83 मीटर थी। ये गुफाओं में रहते थे। इनका मस्तिष्क बड़ा तथा चौड़ा था। पत्थर तथा दीवार पर अपने पाए जाने वाले जीवों चित्रों को उकेरते थे। ये वास्तव में होमो सेपियंस थे। भौगोलिक परिवर्तन में क्रोमेगन मानव यूरोप के अंत में आए और इन्हें
क्या कहा गया, आधुनिक मानव, आधुनिक मानव जो समय बीतते बीतते धीरे धीरे होमो सेपियंस का विकास हो गया तथा वह शरीर सीधा हो गया तथा जबड़े दांत से छोटे थे, ठूंडी माथे से बड़ी थी, मस्तिष्क का विकास हो गया, हाथ छोटे हो गए, अंगूठे हिलने की शक्ति प्राप्त हो गई, अग्नि का उपयोग रह करने लगे, समूहों में रहने लगे। ठीक है, तो ये हो गया मानव के विकास के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आपको